सलामेक मैं हूं मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ और आज हम अपने लेक्चर नंबर फोर्टी टू के साथ यहां पर हैं और आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इम्पॉर्टेंट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बींग एंड वेन यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन बींग इट इज नॉट डेट मट ईजी so i believe this subject is very useful for each one of you because either you will be working with somebody or some people will be working with you. so inshallah, it will be very helpful for you. so from the last lecture, we have started our review part. the lecture number 41, 42 and 43, they are dedicated toward the रिव्यू ऑफ बेसिक एच आर फंक्शन एंड दे आर द फाइव फंक्शन सो लेट सी वट वी हैव कवर ड्यूरिंग लास्ट लेक्चर एंड वट आर वी अपू फॉर दिस लेक्चर जैसे मैंने आपसे कहा कि वी हैव स्टार्टेड अवर रिव्यू सेशन नाउ हमने ऑलमोस्ट एच आर के बेसिक जितने कंपोनेंट थे वो सारे खत्म कर लिए हुए हैं सिर्फ एक पार्ट रहता है जो एच फंक्शन इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सो so, वो विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 44. लेकिन लेक्चर नंबर 44, फोर से फोर्टी से फोर्टी तक विल रिव्यूड अवर प्रीवियस टॉपिक्स वी है यही हमारा सब्जेक्ट है तो so, लेट्स जो हमारा फोर्टी वन लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था क्योंकि उसमें हमने रिव्यू स्टार्ट किया था और कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए अभी तक वी स्टार्टेड विद दिस मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फैक्शन विच आर फाइव फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट कंपनसेशन एंड बेनिफिट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर रिलेशनशिप सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द स्टाफिंग पार्ट और स्टाफिंग में हमने क्या देखा वॉज इन लेक्चर नंबर फोर्टी वन राइट उसमें हमने रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट देखी सो वेन एम वी स्टार्ट एनीथिंग वी शुड हैव समरली वेन वी स्टार्ट द रिक्रूटमेंट बिफोर दैट वी डिड वी डिड द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और उसमें क्या करते हैं लेबर की लेबर फोर्स जो आपके पास वर्क फोर्स है जिसको कहना चाहिए उसकी डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप देखते हो यू डू दैप एनालिस डिमांड क्या है सप्लाई कितनी है और दरमियान में फर्क कितना है उस फर्क को दो तरह से देखा जा सकता है यह भी हो सकता है कि आपके पास सप्लाई ज्यादा है आपके पास वर्कर्स ज्यादा है लेकिन काम कम है तो उसकी आउटकम्स क्या हो सकते हैं उसका आप क्या किस तरह उसको जस्टिफाई कर सकते हैं यू कैन गो फॉर द ले ऑफ डिमोशन इवन इवन ट्रांसफर और अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है Then you will start the recruitment and hiring process or training people or promoting people. So that is from where we started our recruitment part. Or this hiring process we And in the hiring process, we discuss the three parts of hiring process. They were recruitment, selection, and the socialization process. Recruitment, selection, aspect discussed here. सोशलाइजेशन जिसको एक्चुअली प्लेसमेंट पे वन न्यू एम्प्लाईज यू हाउ यू विल सोशलाइज हिम आर हर इज द न्यू प्लेस वो सारी चीजें डिस्कस की तो टेक्निकली स्टाफिंग पार्ट जो हमने इसको कंप्लीट किया ड्यूरिंग ओर प्रीवियस लेक्चर वी कवर द रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट तो फिर आज के बारे में क्या ख्याल है कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है ऑफकोर्स द नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट फंक्शन स्टाफिंग के बाद जो था दैट वॉज द ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट Now let's see what is this human resource development. With this belief, homework. You have done your job. You have done your part. So let let me try my one and then I hope it will be good for you. Training and development. When we're talking about human resource development, we we'll mainly focus on training and development here. The catch is the let's start with the orientation training. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जब आप उसको प्लेस करते हो जिसको हम सोशलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्रेनिंग आल्सो स्टार्ट जिसको हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें क्या क्या कवर किया जाता है टॉपिक कवर इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं इंट्रोड्यूस किया जाता है किससे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके सुपरवाइजर के साथ उनके कोलिग के साथ उस सिस्टम के साथ वेयर ही आर शी हैज टू वर्क नाउ फर्स्ट पास इंट्रोडक्शन देन द जॉब ड्यूटीज उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या क्या ड्यूटीज हैं वो बताई जाती हैं उनको ताकि थिंग्स शुड बी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑग्नेशन के बारे में कैसे ऑग्नेशन बनी थी मेन मिशन क्या है इसका हु दिस थिंग एंड हु की पर्सन अराउंड हु मैटर फॉर दर्गेनाइजेशन डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजन वर्ल्ड उससे भी उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे फेमिली राइव कराया जाता है ये इश्यू भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में आते हैं और फिर आपको आपके बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं आप जैसे आपको डिप्टीज का बताया गया सिमिलरली आपके बेनिफिट का भी बताया जाता है आपको

हर दिन दूसरे दिन आप मुख्त किस्म की ट्रेनिंग देते हो ताकि अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सको इनहांस कर सको वो जो काम कर का रहे हो उसके सिलसिले में दैट इज ट्रेनिंग ये भी एक कोटेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी इफ यू रिकॉर्ड द पीच वॉज वन ए इिट रामन कॉलीफ्लावर इज नथिंग बट कैबेज विद ए कॉलेज एजुकेशन ये उस एज ट्रेनिंग की और एजुकेशन की हिफादियत को बता रही है स्लाइड एंड यू आर फेमिली विद दिस वर्ड राइट पीच किसे कहते हैं बिटर क्या चीज है कैबेज क्या है कॉलीफ्लावर क्या है यू नो देम राइट तो इस स्लाइड से क्या हमें एक मैसेज मिलता है कि ट्रेनिंग लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट

और कैसे हुआ लोगों ने जब ट्रेनिंग ली लो, लोगों ने जब लर्न किया देर देवर एबल टू क्रिएट दीज न्यू थिंग्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग द न्यू फ्रूट्स द न्यू वेजिटेबल्स सिमिलरली आप देखते हैं कि दुनिया में दिन ब दिन तरक्की नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है कैसे आई हैं आज जो चीज हम देख रहे हैं दस साल बाद जो होंगी वो आज हमें मालूम नहीं है मेरा ख्याल है या हम सिर्फ फिक्शंस में हैं

प्रोग्राम वट एवर प्रोग्राम यू वॉन्ट टू लॉन्च देर आर सर्टन फेजेस वो फेजेस क्या है फर्स्ट फेज नीड असेसमेंट वाई यू वॉन्ट टू डू ट्रेनिंग वट इज द इश्यू जैसे हमने परफॉर्मेंस में पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने वर्कर से दे आर नॉट अप डिलिविंग द अप टू डमार्ग देन समथिंग इज रॉन्ग And that something can be the equipment, the opportunity, the motivation, or the, per, the, the person has deficiency in the skills. If we let's see it has to do with the skills or abilities. So issue is clear now. It means they need a specific training. the first part was needed assessment. The first phase of the training program of any organization is the.

वट एवर इशू आज देर तो आप उसकी डिजाइन करते हो बायदा उसके बाद क्या होता है थर्ड फेज इज यू डिलीवर द ट्रेनिंग उसमें भी देखते हैं मुख्त आप आगे जाके देखेंगे कि ट्रेनिंग मैथड यूज होते हैं और उसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है एंड दैट इज नॉट इट देन यू हैव टू एवेल्यूएट इट टू और जो आपने ट्रेनिंग दी है उसका कोई फायदा भी हुआ कि नहीं Did it solve the problem? Would you issue tha? Would you deficiency thi? Kya is training say improve Good. Then what will you do? But next time, if you find the same type of problem, you can use the same type of training. But if it didn't work, you have to reevaluate it. Go back and see what the actual problem is. And then focus on the training content and what, what was covered there. And then again do it and then evaluate it. You have, you want to be sure कि जो इशू है जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी उसका हाल निकलना चाहिए वो सेटल होना चाहिए फोर फेजिस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच वी कंडक्ट इन दर्गेनाइजेशन फिर इसमें मैथड जैसे मैंने आपसे कहा कुछ यूज किए जा सकते हैं वो कौन से मैथड थे क्विकली शाबश लेक्चर लाइक हुई आर डूइंग दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग केस मैथड सिमेशन एंड नाउ आई डोट वॉट टू एक्सप्लेन दो बिकॉज वी हैव आर डिस्कस दो जस्ट आ चाहता हूं कि आपका वो चीजें जो आपने पढ़ी थी आपको देखें कि कितनी पता है दिस कैन बी अ गुड टेस्ट नाउ यू कैन गो बैक अगेन एंड डू डिटेल स्टडी इफ थिंग्स आर आर क्लियर इंटर्नशिप जो उमूमन आप भी समर में वेकेशन में आपको भेजा जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यू शूड ऑल्सो डू द प्रैक्टिकल वर्क देमिलरली मैंटरिंग किसी के साथ अटैच कर दिया जाता है जो आपको दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रेनिंग पीपल डिस्कशन वेरी गुड लर्निंग एक्टिविटी गेम्स होती हैं जिसमें काइंड ऑफ सिमुलेशन कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है एंड देन यू प्ले देयर रोल प्लेइंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है विडियो ट्रेनिंग है ये मुख्तलिफ मैथड यूज किए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए जब हम वर्क प्लेस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें जनरली दो मेन टाइप ऑफ वर्क ट्रेनिंग हो सकती है ऑन द जॉब आफ्ट जॉब एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेंटरिंग होगी जॉब रोटेशन होगी व्हाट अबाउट आफ्टर द जॉब यस क्लासरूम में लेक्चर हो केस स्टडी होगी ये सारी चीजें उसी ट्रेनिंग के लिए लर्निंग के लिए होती है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांसफर ऑफ द ट्रेनिंग वट यू हैव लर्न it should go from the training space to the on the job basically if it is a classroom it should whatever you have learned from classroom it should be it should be implemented at the job then it is a useful training not only for you but also for our organization so transfer of training is very important so whenever we are deciding about a training we should make sure it is something which can be transferred from the learning spot to the on-job. So that is transfer of training. This we have also discussed in detail. Then what about learning principles? What are the principles? of learning. How can we make sure that learning is taking place? लर्निंग हो रही है और सेम इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपसे कही कि इट इज ऐसी चीजें ट्रांसफर हो रही है उसने जो लर्न किया है उसकी जाब पे तो लेट्स सी लर्निंग प्रिंसिपल्स जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए कि लर्निंग कैसे कराई जाती है ट्रेनिंग कैसे डिजाइन की जाए जो ये बेसिक प्रिंसिपल को फुलफिल करे दैट ट्रेनिंग टाइप ऑफ थिंग्स विल भी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव देखते हैं लर्निंग प्रिंसिपल को क्योंकि ट्रेनिंग लिए दे रहे हैं टू लर्न समथिंग और जब लर्निंग किस तरह हो रही है चीज समझ आ जाए तो यू विल बी इट विल बी इजी फॉर यू टू डिजाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टिसिपेशन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए हाउ कैन यू पार्टिसिपेट डू योर सेल्फ हाउ कैन यू पार्टिसिपेट लिसनिंग के बाद खुद करके देखें देखने के बाद खुद करके देखें रेपिटेशन एक बार करना इज नॉट एनफ एक बार उसको परफॉर्म करना इज नॉट एनफ यू हैव टू रिपीट इट जैसे कहते ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट उससे आपकी लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी वो ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी रेलेवेंस लर्निंग के लिए जरूरी है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो उस काम के आपकी नॉलेज के उन चीजों के रेलेवेंट हो लेट सी इफ यू आर डूइंग कंप्यूटर साइंस एजुकेशन यू डूइंग द बिजनेस एजुकेशन इफ आई आई स्टार्ट गिविंग यू ट्रेनिंग फॉर अदर एरियाज स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं मैरीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज नॉट रेलिवेंट so इट वी डिफिकल्ट टू ट्रे सो रेलिवेंस इज आर also very important for proper learning ट्रांसफर ऐसी चीज लर्न ज्यादा होती है जो ट्रांसफर हो सके अब कुछ चीजें जैसे हमने वो लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी थी ट्रेड थ्योरी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से खुद अदादलाते हैं वी कैनॉट शिफ्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन पर्सन टू अदर पर्सन तो लर्निंग के लिए वो चीज लर्न कराएं जो ट्रांसफर भी हो सकती है एंड फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक फ्रॉम ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग बोथ एंड दैट कैन मेक द लर्निंग वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट बट रिमेंबर देखें ये ये भी आपने देखी हुई है डायग्राम कि कोई चीज रिमेंबर रखने के लिए मेमोराइज करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए उसकी कैसे कैसे इंप्रूव होती है इफ यू जस्ट हेयर इट यू माइट रिमेंबर इट फॉर समाइम बट इफ यू हेयर इट एंड सी इट तो चांसेस के लिए आप रिमेंबर रखेंगे द बेस्ट विल बी टू हेयर सी एंड डू इट योर सेल्फ वही पार्टिसिपेशन वाली बात आ गई वो जो आपको एरो नजर आ रहा है कि जैसे जैसे खाली हेयरिंग पे थोड़ी आपकी रिमेम्बरेंस होगी थोड़ा उसको रिटेन कर सकेंगे लेकिन अगर हेयर करके आप उसको देख भी रहे हैं सुना भी है देखा भी है तो उसकी रिमेम्बरेंस बढ़ जाएगी लेकिन अगर आपने देखा सुना भी है देखा भी है और खुद किया भी अपने हाथ से दिस इज द मैक्सिमम तो लर्निंग में भी जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं हम क्यों कहते हैं आपसे कि डू योर सेल्फ ये होम असाइनमेंट करें इसको खुद हल करें एक दफा आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं वाई वॉन्ट टू डू दैट Because we want to increase your learning things. So mind when we are talking about the learning principles, or when we are talking about the training program, which we are designing for our workforce or employees. Human resource development, HRD, discuss here. Training part we discuss here. And we decide we discuss that. Of course, training is part of.

ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसको याद होगा आपको हमने डेफ्थ पे जाने की कोशिश की और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज ट्रेनिंग वट इज एजुकेशन वॉट इज डेवलपमेंट एंड वी कंक्लूडेड एट दैट टाइम ट्रेनिंग इज फॉर द प्रेजेंट जो इस वक्त काम कर रहे हो उसके लिए ट्रेनिंग देते हो एजुकेशन फॉर द फ्यूचर एंड डिवेलपमेंट टू लीड लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन वु जस्ट कंसेंट्रेटेड अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवेलपमेंट ट्रेनिंग क्या है फॉर द करंट जॉब एंड डेवलपमेंट क्या है फॉर द फ्यूचर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू ट्रेन देयर पीपल दे हैव टू डिवेल्प दैम फॉर द नेक्स्ट पोजिशन फॉर द नेक्स्ट टास्क फॉर द मोर इंटेंसिव वर्क फॉर द मोर कॉम्प्लीकेटेड वर्क सो दैट इज वट इज ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट इज वट अबाउट कैरियर ये दिसको भी इसको भी डिस्कस किया था ना जिसमें हमने कैरियर पाथ देखा था कि एक किसी की जिंदगी के अंदर वो जो उसका पाथ है वो जो रास्ता है जिसपे वो चल के खास स्टेज से मुख्तलिफ पोजिशन वो होल्ड करता है दैट इज देयर कैरियर पाथ और उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दिस इज हाउ यू गो स्टेप बाय स्टेप एंड दैट वॉज अबाउट द कैरियर नाउ वेर यू टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अफकोर्स इट हैज टू डू समथिंग विद द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपने अंदाजा लगाया परफॉर्मेंस वेल्युएशन के बेस पे आपने अंदाजा लगाया कि यू है यू नीड सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर योर वर्कर्स फॉर योर वर्कफोर्स और फिर हमने उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर अपने लेक्चर डिस्कस किए परफॉर्मेंस प्रेजल को डिस्कस किया तो वही चीज आगे भी डिस्कस करते हैं ताकि आपका एक रिव्यू भी हो जाए बट वॉट इज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है क्या चीज Can you define performance? Do it. How can I see your performance is good? So, what is performance? Performance is equal to A into E into S. What are these letters stand for? A, E, S. Shabash. A stands for ability. And what is ability? By the way, knowledge and स्किल ई एफर्ट्स एस आग्नेशनल स्पोर्ट द अपॉर्चुनिटी वी कॉल इट इसको एक और शक्ल में भी देखा था आपको याद होगा जब हमने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी थी परफॉर्मेंस पढ़ा था तो यह डाय आपने एक डायग्राम भी देखी थी कि वाई डू वी केयर अबाउट परफॉर्मेंस बिकॉज दिस इज द बॉटम लाइन आनलेस यू परफॉर्म हाउ कैन वी गेट थिंग डन And if things are not done, how can we achieve the goal? If we cannot achieve the goal, what is the reason of our existence? The organization or whatever. So, see here, performance again, depending on three aspects. Performance is the function of what? Ability, motivation, and opportunity. The same thing in a different way. In the slide, you can see the of this slide, importance motivation. िटी का इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीजेंट और परफॉर्मेंस दिस इजम लाइन और जैसे मैंने आपसे कहा तो चाहते हैं सारे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स आपसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए जो भी काम कर रहे हैं लेट्स इफ यू आर स्टडी आपकी परफॉर्मेंस वहां अच्छी हो आप जाब कर रहे हो आपकी परफॉर्मेंस वहां अच्छी हो इफ यू हैव एर्गेनाइजेशन हम सब की ख्वाहिश होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो ऑफकोर्स डिफरेंट आर डिफरेंट इंडिकेटर्स आपकी एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट बताएंगे आपकी जॉब परफॉर्मेंस आपकी वहां पर रिक्वायरमेंट आपकी प्रमोशन आपकी बाकी चीजें बताएंगे अप्रिसिएशन रिवार्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसकी गुडविल उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनकी मार्केट वैल्यू they can perform we need ability which is skill and knowledge we need motivation or of course opportunity we have seen lot of people with the good abilities good motivation factor but they are not getting the opportunity similarly we have seen people with the abilities and good opportunity but they don't have the motivation for that so all three things are essential required to perform. And when manager manager's role is he or she has to see if performance is not up to the mark, what is the reason? What is the issue? Is it the ability? Is it the motivation factor or the opportunity? And if the ability is, yes, with training and development, we can help and we can. अच्छी परफॉर्मेंस बोल ये चीजें हमने परफॉर्मेंस के पार्ट में डिस्कस की आई विश दिशम दैट डिव्यू आई शुड भी लिस्निंग एंड यू शुड भी स्पीकिंग ताकि फिर तो मजा आता ना रिव्यू का मुझे इतना ना बोलना पड़ता आप ज्यादा बोलते अब बट स्टिल आई बिलीव दैट यू आर विद मी और आप खुद बहुत साथ साथ इसकी रिव्यू भी कर रहे हैं आगे चलते हैं फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल को हमने डिस्कस किया वमेंस अप्रेजर जान गो इन प्रोसेस ऑफ वैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग बोथ द बिहेवियर एंड आउटकम्स ऑफ इन वर्क प्लेस परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम कभी कभी मिस भी कर लेते हैं इसका यही मतलब समझते हैं कि सिर्फ हमने वेल्युएट करना है नो नॉट ओनली टू वैल्यूएट बट वी हैव टू मैनेज इट टू वी हैव टू फिगर आउट द रीजन और उसके उसको फिर मैनेज भी करना है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं अच्छी तो परफॉर्मेंस प्रेजल इज ए आन गोइंग प्रोसेस और डिपेंडिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पीपल कैन गो टाइम स्पेंड डिफरेंट हो सकता है क्वार्टरली करते हैं को बाय एनुअली करते हैं कुछ एनुअल करते हैं है, और कुछ प्रोजेक्ट बेस करते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसकी परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम उसके लिए एक आपको याद होगा कि हमने ये डायग्राम देखी होगी आपने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी हैफॉर्मेंस मेयर्ड इसका फायदा क्या यूज क्या है उसकी वेल्युएशन और मैनेज करना इसको डेवलप करना कहते हैं ठीक है ना तो वैल्युएशन के लिए पहला क्वेश्चन वाई इसका यूज क्या है वट इज टू बी मेयर्ड क्राइटेरिया क्या होगा क्या चीज मैयर करनी है हमने अफकोर्स सम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे सम पैरामीटर आप बनाएंगे परफॉर्मेंस के बारे में उनको मैयर करना होगा हाउ इट इज टू बी मैर्ड कैसे करेंगे क्या टूल यूज करेंगे कौन से मेथड यूज करेंगे दैट हैज बी डिसाइडेड हु इज गोइंग टू डू दैट उसके भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है एंड वेन बी मेयर जैसे भी मैंने आपसे कहा कि डिपेंडिंग फ्रॉम आग्नेशन टू आग्नेशन इट कैन बी क्वार्टरली इट कैन बी बाई एनुअली इट कैन बी एनुअली आर प्रोजेक्ट बेस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद एवेलुएशन की जाए और ऑब्जेक्टिव क्या बताए थे उसके एवेल्युएशनल एंड डिवेलपमेंटल एवेल्युएशन क्या करनी परफॉर्मेंस को डिवेलपमेंट क्या देखनी कि क्या चीज का मैं इसका किस तरह इसको इंप्रूव किया जा सकता है कि विश्व गंति डिजायर परफॉर्मेंस लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में एक चीज याद रखिए परफॉर्मेंस अप्रेजर उसी वक्त फायदेमंद है जब इसको उसकी स्पिरिट के हिसाब से लिया जाए और उसको बाकायदा बैठ के जो कर रहा है वो जिसकी हो रही है आमने सामने बैठ के दे शुड डिस्कस आई हैव डन समथिंग बैड आई शुड इमीजिएटली नो दैट आई शुड मेक द करेक्टिव एक्शन इफ आई हैव डन समथिंग गुड आई शुड बी नोन नोइंगट इट कैन बूस्ट माई मोर एंड ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी एग्जैंपल फॉर अदर पीपल

what to evaluate traits behavior and task outcomes all three things are important for the performance why some can ask why we are evaluating the behavior yes this is very important because it is not only going to affect his or her performance but it is going to affect the other people's performance too so this is also being evaluated प्रोसेस होता है कैसे अवैलुएट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस बनाया जाता है क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट देखें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी चूज एन अप्रोप्रिएट अप्रेजल मेथड, अभी आप आगे देखेंगे कुछ मेथड जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं उनमें से जो ज्यादा मैच करता है आपके सिस्टम के तहत आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको पिक कीजिए ट्रेन सुपरवाइजर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो वेलुएट कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि उसने क्या वेल्युएट करना है उसकी ट्रेनिंग जरूरत है मेथड विद इंप्लाइज के यू शुड ऑल्सो बी नोइंग किस पैरामीटर पर किस तरह उनको वैल्युएट किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट समथिंग सीक्रेट इट शुड बी ओपन डिस्कस की हाउ दे विल बी वैल्युएटिंग what will be the criteria, what will be the parameter, what things they will be evaluating. so that they should also focus on those parts. then, appraise, do it according to the job standards. local standards, local, and local equipments, local environment. and you have fixed the standard which are in the developed society, the developed countries. तो आपके जो प्रीवेलिंग जॉब स्टैंडर्ड आपकी जगह एनवायरमेंट के अंदर है उसके तहत आप उसकी अप्रेज करें अप्रेजल करेंस यू हैव डन द अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस इथ एम्प्लाइज वेरी इंपॉर्टेंट है लियर अललेस यू डिस्कस इट यू नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट तो उससे भी डिस्कस कीजिए क्या यह परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई चीज देखेगी दी थिंग यू आर गुड यू हैव डन एक्सीडेंट यहां पर यह प्रॉब्लम आए तो वजह क्या आप बताइए उनको बताएं उनसे पूछें सो दैट यू शुड सॉल्व द पर्पज इट शुड बी पर्पज फॉर परफॉर्मेंस वेद और उसी के बेस पे आप यू डिटर्मन द परफॉर्मेंस गोल फॉर द फ्यूचर अब नेक्स्ट टाइम जब परफॉर्मेंस अवेल्युएशन होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी आपकी आपने जो गोल्स सेट किए होंगे उसको सामने रखते हुए आपको देखा जाएगा कि हाउ मेनी गोल्स यू हैव अचीव कौन कौन से आपने जो टारगेट फिक्स किए थे कितने मीट किए अगर नहीं मीट किए तो वॉट आर द रीजन और देन बेस ऑन दैट फॉर नेक्स्ट पीरियड फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल अगेन सेट द गोल्स मैथड्स भी हमने डिस्कस किए थे याद हो आपको अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथ राइट I am not going to explain all those methods because we have already covered them. I will just quickly go through those different methods and it depends from organization to organization and situation to situation that which, which method they want to adopt and what kind of relevance they have with their standards and their performance. So, performance-appraisal methods, what did we discuss kiamne? We rating scales, there were the graphic scales. कंपेरेटिव मैथड में भी क्या देखा हमने रैंकिंग सिस्टम था एक मैथड था फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था पेयर्ड कंपेरिजन था और उसके अलावा क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड्स भी था एनुअल रिव्यू चेकलिस्ट जिसमें होता है और सोआन so इसके अलावा हमने देखा कि दे कैन हैव ए सिंपल ऐसे राइटिंग एक पैराग्राफ लिखते हैं आपके बारे में और आपको बताते हैं कि ये वीकनेस थे ये पॉजिटिव साइन थे और फिर हमने एक मैनेजमेंट का एक नया कंसेप्ट भी उस वक्त देखा जिसके अंदर इन बिल्ड आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही होती है दैट वॉज एम बी ओ एंड दैट इज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव या फिर लोग मुख्तलिफ मैथड्स को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं फॉर दियर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड हु रेटिंग किसकी जिम्मेदारी है कौन करता है परफॉर्मेंस अप्रेजर ऑफकोर्स वन थिंग इज योर बॉस डेट सी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद भी अप्रेजल कर सकते हैं आपसे बेहतर कौन आपको जानता है मुझसे बेहतर मुझे कौन जानेगा वैसे भी हमें कहा जाता है कि रात को सोने से पहले एक दफा अपने आप को जज कर लिया करें कि आज सारे दिन में क्या अच्छे काम हुए क्या बुरे हुए सिमिलरली वी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो जो अब तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आपको खुद देती है कि आप अपनी अप्रेजल खुद करें

मुख्तलिफ जो अप्रेजल अडाप्ट की जाती है मुख्त लोग कर सकते हैं तो दीज आर दीपल हु डू द अप्रेजल वन वे टाकिंग अबाउट दी परफॉर्मेंस अप्रेजल नथिंग इज परफेक्ट राइट हर चीज में कुछ ना कुछ खामी होती है कमी रह जाती है उसके रीजन होते हैं वेट सी वट आर द कॉमन वेटर्स एयर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल वो जो परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा आपकी वो भी कुछ गलती कर सकता है ना वो गलतियां क्या हो सकती हैं वो खामियां क्या हो सकती हैं रीजन क्या होते हैं उनको किस तरह ओवरकम करना चाहिए सुपरवाइजर बायस ये भी पढ़ा था याद है कि हो सकता है आपका बास ही जो है वो बायस है आपके लिए माइट है बैड इंप्रेशन अबाउट यू या कोई चीज हो सकता है आपकी उनको बुरी लगी हो आपको कोई एक्शन ने उनको एनाई किया हो तो उनके जहन में एक बायसनेस बन जाती है इट कैन बी इंटेंशनली अन इंटेंशनली और वो भी एक एरर है क्योंकि उस बायसनेस के जरिए तहत वो आपकी अवैल्यूशन कर रहे हैं और जिस वजह से इट कैन बी सिक्योर इट कैन बी रॉन्ग अवैल्यूशन और इट विल बी विद एर अवैल्यूशन और बायस कैन बी इन पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बहुत कुछ हो सकता है कि आपको फेवर करना चाहते हैं वो भी बायसनेस आ गई ना तो सुपरवाइजर बाइस एस इज वन एरर विच कैन गिव यू द रॉन्ग पिक्चर वी हैव टू ओवरकम इट उसके अलावा हालो इफेक्ट व्हाट इज हालो इफेक्ट यह आपको बताया था कि स्टीरो के अपोजिट है कि किसी एक ट्रेड को देखते हुए आप उस पर्सन के बारे में आपकी सारी यह होता है कि या सही है लेट्स वन पर्सन इफ यूस डन समथिंग रॉक वो उसने झूठ बोला है कोई तो आप समझेंगे कि वो सारे काम गलत कर रहा है दैट इज हाल इफेक्ट या एक कोई उसने अच्छा काम किया आप समझते हैं वो सारे काम ठीक करेगा दिस इज दालो इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो एन आर इन सिस्टम सेंट्रल टेंडेंसी इफ एवरीबडी इज गेटिंग द सेम अप्रेजल और सेम काइंड ऑफ ग्रेड दिस इज नॉट फेयर हाउ कैन यू कंपेयर कुछ लोगों का होता है कि वो जैसे होता है ना कि तीन चार कालम हुए सी या ए बी सी डी तो वो सबको बी भी कर दे तो ये भी एरर एरर है ये फेयर वैल्यूशन नहीं है क्योंकि इससे आप किस तरह कंपेयर करेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि क्रॉस द बॉर्डर ईच पर्सन इज परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल सम आइट बी वेरी गुड समर ओके सम आइट बी बैड सेंट्रल so, करेंडेंसी वाला जो चीज है ये भी एक एर समझा जाता है जब हम परफॉर्मेंस प्लेजर की बात करते हैं लीनेंसी, सम मैनेजर समे हैव द लीनियर व्यू उसकी कुछ रीजन भी हो सकती है एक तो ये हो सकती है कि नेचर ही वो लीनियंट हो किसी को समझते हो कि इस तरह नुकसान पहुंचेगा या ये भी हो सकता है कि देर जस्ट देयर ऑफ समथिंग इफ आई डू सम द रॉन्ग पर या नेगेटिव परफॉर्मेंस प्रेजर किसी की होगी तो मुझ पर इसके कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं तो वो देव एवरी बॉडी वेरी गुड वेरी गुड ग्रेड दे परफॉर्म दे अप्रेज और परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी लीनियरली और सबको एक्सीडेंट बता रहे हैं ये भी रि, रि, रियालिटी के नजदीक नहीं है क्योंकि सब लोग एक्सीडेंट नहीं हो सकते ना जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया होगा कुछ एवरेज भी किया होगा जब आप लीनियर होते हैं तो सबको जितना बिकॉज वी आर हेयर टू सी द एक्चुअल पोजीशन, सो दैट इट इज नॉट ओनली रिमेंबर दिस इज नॉट ओनलीशन इट इज आल्सो द मैनेजमेंट ऑफ इट क्या आपने एवैल्युएशन करके वो मस्ता देखना है किस वजह से अप टू मार्क कई चीजें उसको मैनेज भी करना है इफ यूर यू विल गिव द लीनियर रिजल्ट वेरी गुड रिजल्ट फॉर एवरी हाउ कैन यू मैनेज इट हाउ यूर गोइंग टू कंपीयर विद मार्क इट सी इज ऑल्सो एन अदर एरर फ्रॉम द रेटर ठीक है दी अदर स्ट्रिकनेस्ट द अपोजिट ऑफ दैट लीनियंसी एंड अगेन इट वी कैन बी नेचुरल अ पर्पज फॉर नेचुरल तो यह है कि कोई लोगों की नेचुरी सख्त होती है उनके माइड भी दे हैव हायर स्टैंडर्ड या कुछ लोग फॉर इंप्रेशन टू

बर के महीने में, में अप्रेजर होनी है तो दिसंबर के शुरू में या एंड ऑफ नवंबर यू हैव डन एक्सीडेंट जॉब और बाकी साल में इतना अच्छा काम नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट उसके बिहेवियर पे आएगा जो आपका रेटर कर रहा होगा कि वो रिसेंट उस इवेंट को शायद सामने रख ले। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए ना बिकॉज ही आर शी सपोज टू अवेल्यूएट यू फॉर ए सर्टन पीरियड

अप्रेजल करके नीचे जब आते हैं अगर आपने कभी देखा हो होल फॉर्म स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर में अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें आर रेटिंग देते हैं स्ट्रांग कैरेक्टरिस्टिक गुड मॉरल करेक्टरिस्टिकेडिकेटेड एंड दिस टाइप ऑफ थिंग वो सबको एक जैसा लिख देते हैं तो ये भी एक बाइस में आ जाएगा लेट्स क्विकली समराइज वट वी हैव कवर टूडे तो जैसे आपको मालूम है कि वट वी आर डूंग बेसिकली वी आर डूइंग द रिव्यू पार्ट अब हवर बेसिक द मेन सब्जेक्ट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके लिए हमने इस मॉडल को चुना इस स्लाइड को चुनाया जो हमारी लेक्चर नंबर नाइन और टेंथ में हमने डिस्कस की थी दर फंक्शन और उसमें हमने ये सोचा कि यह पांच जो बेसिक फंक्शन है इसी के इर्दिर्द सारी एचआर एक्टिविटीज होती है तो जो फंक्शन है एचआर के वो नहीं पांच ब्रॉडर फैक्शन के इर्द गिर्द चल रहे होते हैं तो वाई डॉन्ट वी जस्ट फोकस ऑन दम एंड क्विकली रिव्यू दम सो दैट इट शुड बी इजी फॉर यू इट शुड बी गुड फॉर यू इट इज एगोमेंटेड थिंग एक्स्ट्रा हो रहा है ताकि आपकी लर्निंग हो जाए इन बिगिनिंग आई थॉट आई शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस रिव्यू इन वन लेक्चर और टू

करते हैं और कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वट आर द लर्निंग प्रिंसिपल और फिर यह भी देखा कि उस ट्रेनिंग का फायदा है जो आप सीख के अपनी जाप अप्लाई कर सकें और फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी डिस्कस किया where training is part, very important part of the human resource development. When we are discussing the human resource development, we have seen there three aspects about this human resource approach, Joyovsky. One was the training and development, the career development and the organization development. Remember that? Now see how they are interlinked with each other. If you provide training and development to your

उसको समझने की कोशिश की कि परफॉर्मेंस क्या चीज है एंड वी डिस्कस दैट इट इज द फंक्शन ऑफ एबिलिटीज मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हुई नाउ व्हेन वी आर डूइंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि इश्यू कहां पे है इट इज द एबिलिटी आर द मोटिवेशन फैक्टर आर द अपॉर्चुनिटी फिर हमने ये भी देखा कि अब परफॉर्मेंस अप्रेजर के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक अवैलुएशनल एक डेवलपमेंटल। इट इज नॉट ओनली दैल्युएशन इट इज आल्सो गोइंग टू बी द मैनेजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर मैनेजर्स कि हाउ यू शुड बी एबल टू मैनेज द परफॉर्मेंस इफ संबाडी इज डूइंग गुड हाउ कैन यू कीप ऑन मोटिवेटिंग दे शुड डू द गुड थिंग एंड इफ संबारी इज डूइंग रॉन्ग हाउ यू मेक श्योर कि दे विल डू द

आपका सुपरवाइजर भी अप्रेजल करता है आपके सबॉर्डिनेट भी करते हैं इज देयर साथ ही आपके द कस्टमर इज वेरी इफेक्टिव वेरी काइंड ऑफ का आपको इमीजिएट करना होता है बिकॉज कस्टमर इज द बॉस कभी किया ऐसे इसे आप होटल में जाते हो किसी जगह खाना खाते हो तो वो साथ एक स्लिप देते हैं कि आप जरा लिखें कि कैसा लगा आपको यहां की सर्विस दैट इज दर कस्टमर वेलशन उसके बाद टीम एवेल्यूशन भी होती है और ये सारे मुख्तलिफ तरीके अवैल्यूशन परफॉर्मेंस अप्रेजर के मैथड यूज करके किए जाते हैं लेकिन जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजर की बात कर रहे थे, हमने ये भी डिस्कस किया कि सबसे पहले आपने डिटर्मिन करना है कि कैसे करना है अप्रेजर क्या स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे क्या पैरामीटर्स होंगे और फिर आपने वो जो सुपरवाइजर है जिसने वेल्यूशन करनी है उसको ट्रेनिंग भी देनी है और फिर वो सिस्टम को इंप्लाइज के साथ डिस्कस भी करना है ताकि उनको पता हो कि किस चीज की कैसी अवेल्यूशन हो रही है एंड देन यू एक्चुअली डू दी अप्रेजल और जैसे अप्रेजल हो जाए देन यू शुड ऑल्सो डिस्कस विद दी विद्लाईज कि ही या शी शुड नो वट है इफ यू हैज डन समिंग गुड इफ यू हैज डूइंग सम थिंग ना तभी तो इसका फायदा हो सकता है ना

उसके लिए आप टारगेट फिक्स करते हो आप उसके लिए गोल फिक्स करते हो और ये फिर एक किस्म का मोटिवेशन फैक्टर भी इसमें आ रहा होता है क्योंकि नाउ इंप्लाइज नो ओके दिस इज टारगेट, दे हैव टू अचीव इट ये सारा परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने डिस्कस किया एंड पे थोड़ा सा हमने इसको देखा कि इसमें एरर भी आ सकते हैं कि नो सिस्टम इज अ परफेक्ट सिस्टम राइट उसमें बाइसनेस देखा हमने हालो इफेक्ट देखा उसके अलावा स्टिकनेस देखा लीनियंसी देखा रीसेंसी देखा सो वी शुड ट्राई दैट वट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसल वी आर डूइंग, इट शुड बी क्रॉस द्लाइन एट द सेम पैरामीटर्स। किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि मकसद क्या है इट इज नॉट ओनली के वन पर्सन इज बीइंग इफेक्टेड द होल सिस्टम इज गोइंग टू बी एफेक्टेड यू आर टू इंप्रूव द होल सिस्टम तो परफॉर्मेंसल शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशियंट And properly dealt with, so And that was our today's topic, which was human resource development. So we are done with our two parts, two components: the staffing and human resource development. So I'm, I should be confident now that now you are clear about these two topics. Clear? So today's program. Is Peta basically training and development of performance pay What about next? Yes, the remaining three parts. The compensation, the benefits, health and safety, and other things. We'll try to finish in next lecture. That will be lecture number 43. With the hope that this review part is also helping you in your learning process and with this belief that you will work hard. I'll stop it here. Take care of yourself. Thank you very much. Assalamu alaikum.